वेलकम बैक टू गाइस मिनी माय विनी ब्लॉग। तो ये ब्रेकफास्ट में मैंने कुछ फ्रूट्स खाए और फ्रूट्स खा के हम लोग बाहर जा ही रहे थे, तब तक ये मेरा कुछ कुरियर आ गया। तो मैंने फ्रिज मैट मंगवाया था और ये मैट बहुत अच्छा है, मैं इसको देख रही थी ये कैसा है। तो मैंने फ्लिपकार्ट से ये मैट मंगवाया था, बहुत प्यारा है, बहुत अच्छा लगा मुझे, तो मैंने इसको ऑर्डर कर दिया था। तो मैं वही आप सबको दिखा रही थी, बहुत अच्छा है ये। और हम लोग बाहर निकल गए थे तो बाहर का ये थोड़ा सा व्यू है। हम लोग शॉपिंग करने जा रहे थे, आज 4 तारीख है, 5 तारीख को मेरा बर्थडे है, तो हम लोग कुछ शॉपिंग करने के लिए निकले थे। और बर्थडे मेरा है लेकिन शॉपिंग मेरे बाबू के लिए कर रहे हैं, तो हम लोग यहाँ से उसके लिए 2-3 कपड़े खरीदे थे। दीपावली भी आ रही है और इसके लिए भी हमने कपड़े ले लिया, मेरे लिए ले रहे थे तो। और मेरे बाबू के लिए कपड़े खरीदने के बाद, यहाँ बच्चों का कपड़ा बहुत अच्छा मिलता है तो ये उनके लिए लिया। और मेरे बाबू कपड़े खरीदने के बाद मेरे हस्बैंड को भी मन किया क्यों ना मैं भी कुछ ले लूँ, तो ये भी अपने लिए कुछ कपड़े देख रहे थे। हालाँकि बर्थडे मेरा है लेकिन शॉपिंग ये दोनों कर रहे हैं। मैंने भी शॉपिंग किया था तो उसका ब्लॉग मैं आपको जल्दी दिखाऊँगी। तो इन्होंने भी कुछ कपड़े पसंद किए। सब कपड़े उपड़े देखने के बाद, शॉपिंग करने के बाद हम लोग मंदिर को निकल गए थे। ये भोलेनाथ का मूर्ति देख सकते हो कितना बड़ा है। और ये देखिए गाइस मेरा बेबी बॉय, बेबू हेलो करो। हेलो हेलो, कैसे हैं आप सब? हेलो हेलो, बेबू बोलो प्लीज ब्लॉग को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए। तो गाइस यहाँ मुझे आने का बहुत मन था, बहुत ताकि मैं आ गई। तो आप सब देख सकते हैं गाइस कितना खूबसूरत व्यू है, आप देखो। और आप सब भी ज़रूर यहाँ पर आना, ये मेरे हस्बैंड है वो भी आए हुए हैं, और आप सब भी ज़रूर आना गाइस। IGI एयरपोर्ट के पास ही है। चलिए हेलो, इससे अधिक कुछ नहीं होगा। हेलो बहुत गर्मी हो रही है बहुत। तो गाइस आप सब व्यू का एंजॉय लो, देखिए कितना खूबसूरत है। आप सब भी ज़रूर से ज़रूर आना गाइस, बहुत खूबसूरत जगह है। यहाँ आने से बहुत अच्छा लगता है, मन को भी शांति मिलता है। मैं बहुत दिन से टेंशन में थी लेकिन अभी बहुत अच्छा लग रहा है आने के बाद। तो आप सब भी आना गाइस, भोलेनाथ जी का दर्शन कर लो आप सब भी। आप सब भी आना, आप सबको एंजॉय लगेगा। तो मिलते हैं थोड़ा देरी में, अभी थोड़ा सा वो चलते हैं, थोड़ा इंस्टा पर वीडियो बना लेते हैं। और गाइस मैं अपना इंस्टा का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगी, तो आप सब जरूर चेक कीजिएगा, आप सबको अच्छा लगेगा। शंकर भोलेनाथ जी का मंदिर है, वहीं पास में पड़ता है, बहुत अच्छा मंदिर है। और यहाँ जाने के बाद बहुत अच्छा लगा, बहुत शांति मिला और बहुत सुंदर है। अगर आप सब चाहो तो आप जा सकते हो। और ये देखिए राधा कृष्ण जी के हैं, बहुत अच्छा लगा। यहाँ हम लोग बहुत मस्ती कर रहे थे, मेरे बाबू को भी बड़ा प्यार लगा, बहुत बड़ा है तो हमने तो बहुत इंजॉय किया। आप चाहो तो आप भी जा सकते हो। और यहाँ से फिर हम लोग मतलब यहाँ पर हम लोग 2-3 घंटा रुके थे क्योंकि हमें बड़ा अच्छा लग रहा था। तो फिर यहाँ से हमने दर्शन किया, दर्शन करने के बाद हम लोग घर को निकल रहे थे। तो मौसम धूप बहुत ज़्यादा था, फिर बारिश सा होने लग गया था, तो हम लोग 5-10 मिनट यहाँ रुके थे। और रुकने के बाद ये देखिए भोलेनाथ जी का आप सभी दर्शन कर लीजिए। शाम को हम लोग घर को निकल गए थे, शाम को हमने चाय नाश्ता किया था, समोसे चटनी, और रात को डिनर में मैंने बनाया था पाव भाजी। तो अगर आप सबको गाइस पाव भाजी कैसा लगता है, मुझे तो बहुत पसंद है, जंक फूड ज़्यादा अच्छा लगता है मुझे खाना, तो मैंने पाव भाजी बनाया था। किसी को पाव भाजी पसंद है कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। तो बस आज का मेरा मिनी ब्लॉग यहीं ख़त्म होता है। तो आप सबको अच्छा लगे तो प्लीज़ सब्सक्राइब, कमेंट और लाइक। बाय।